दोस्तों टोटल सोल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक एवरेडी कंपनी का ट्वेंटी थ्री वाट का एक एलईडी ई डी बल्ब है दोस्तों तो दोस्तों इस बल्ब में देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है इसका एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम देखिए इसके कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो बहुत सारा एल ई बल्ब में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको देखने को मिलेगा अगर एल बल्ब कोई पार्ट्स ख़राब भी नहीं होता है फिर भी एल बल्ब डेट कंडीशन में आ जाता है दोस्तों तो वो कैसे आ जाता है तो हम आगे देखेंगे आ, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और समझेंगे कि कैसे ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो ऐसा ज़्यादातर आता है जितना भी ज़्यादा वाट का बल्ब है दोस्तों उसके अंदर हीट के कारण अंदर का जो शोल्डर रहता है दोस्तों वो सूख जाता है तो सूखने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो वही देखने को मिलेगा तो इसमें देखिए एल ई डी बल्ब जो है इसका कॉन्डेंसर तो सही है मतलब इसका एम पी सी बी में एल ई डी भी सही रहेगा इधर देखिए ग्लू से बहुत चिपका हुआ है तो इसको काट के हम सर्किट को बाहर निकाल लेंगे ये देखिए इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके काटना होगा दोस्तों ग्लू से जो सर्किट है वो बॉडी के साथ चिपका हुआ है तो देखिए दोस्तों इसको काट के हमने बाहर निकाल लिया ये देखिए इसका जो रजिस्टर है दोनों साइड का वो हम चेक कर लेंगे टेन ओम्स करके हाफ वाट का ये हाफ वाट से वन वाट तक इसका पता नहीं चल रहा है दोस्तों क्योंकि कंपनी का है वन वाडी होगा थोड़ा छोटा किस्म का है तो दोस्तों देखिए यहीं पे जो रजिस्टर बैठेगा ए सी कनेक्शन होगा तो हमको तो ये बोर्ड एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है फिर भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे अभी ब्रिज डायोड को चेक कर लेंगे ख़राब है कि शॉर्ट है कि ओपन है उसके बाद जो इधर कॉयल रहता है एक तो उसको भी चेक कर लेंगे ये भी सही है तो ए वाला डायोड हमेशा शॉर्ट होता रहता है दोस्तों इसको भी हम चेक कर लेंगे तो ये भी सही है तो ऊपर वाला जो रजिस्टर है दोस्तों जो कि वोल्टेज को एमपियर को जो कंट्रोल करता है तो ये भी सही है दोस्तों तो यहाँ पे छोटा छोटा कैपेसिटर रहता है उसको भी हम चेक कर लेंगे ये भी शॉर्ट होने से ए एल ई डी बल्ब डेड होता है तो वो भी सही हमको दिख रहा है अभी जो रजिस्टर है साइड में इसको भी हम चेक कर लेंगे थोड़ा तो दोस्तों इसमें हमको बोर्ड में सभी रजिस्टर जो है ये दोनों रजिस्टर ज़्यादा वैल्यू का है दोस्तों इसीलिए मीटर में शो नहीं किया तो अभी इसको घुमा के हम टू मेगा में कर दिया है अभी देखिए अभी जो है ये काम कर रहा है ये देखिए तो दोनों रजिस्टर भी सही है तो फिर बाल में क्या हुआ है दोस्तों इसको हम सीरीज लाइन के साथ जोड़ देते हैं तो अब इसमें क्या करेंगे हो सकता है इसका जो मेन आईसी है वो ख़राब है इसके कारण एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों मेन आईसी तभी ख़राब होता है जब दूसरा कंपोनेंट थोड़ा काला पड़ जाता है या आईसी काला पड़ जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हम पूरा बोर्ड को शोल्डर मारेंगे दोस्तों तो इसका एक ही कारण हो सकता है ड्राई शोल्डर तो ड्राई तभी होता है हीट के कारण शोल्डर जो है सूख जाता है और पार्ट्स कंपोनेंट के लेग के साथ उसका जो पकड़ वो ढीला पड़ जाता है तब जाके ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसको हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जगह जगह में तो हम क्या करेंगे सारे बोर्ड को जो सोल्डर कर दिया है अभी इसमें जो रजिस्टर है दोस्तों इसको भी हम लगा देंगे दोनों साइड में तो ये रजिस्टर का लेग भी थोड़ा छोटा है तो दोस्तों हो सकता है इसका रजिस्टर का जो लेग छोटा है दोस्तों उसके साथ हम जोड़ के बड़ा कर दिया हो सकता है इसका रजिस्टर का लेग भी ढीला पड़ गया था ऐसा भी हो सकता है तो हम इसको सेट करके एक बार हम कनेक्शन देके देखेंगे दोस्तों तो हमको उम्मीद है ये ग्लो हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत सा आता है मेरे पास उसमें कुछ भी नहीं होता है दोस्तों सिर्फ़ ड्राई शोल्डर होता है वो भी जो ट्रांसफार्मर रहता है छोटा सा उसमें ज़्यादातर ड्राई शोल्डर रहता है और जो हंड्रेड वोल्ट वाला कैपेसिटर रहता है वही पे भी ड्राई सोल्डर रहता है और उसके बाद जो रहता है दोस्तों ब्रिज डायोड उसमें भी ड्राई सोल्डर रहता है और जो रजिस्टर रहता है दोस्तों दोनों तो उसमें भी ड्राई सोल्डर रहता है तो ज़्यादातर वो सोल्डर करने से वो सही हो जाता है तो हम इसको फिर से ऐसे लगा देंगे तो लाइट का जो एम में जो एल बैठा हुआ है वो बहुत अच्छा कंडीशन में है दोस्तों चकाचा ये येलो कलर का दिख रहा है हमको तो इसमें तो कोई ख़राबी हमको दिख नहीं रहा है तो अब हम इसको सीरीज में कनेक्शन देके देखेंगे तो हंड्रेड परसेंट ये ग्लो करना चाहिए तो दोस्तों देखिए मेरा जो एल ई लाइट है वो ग्लो करने लगा जो कि पहले डेड था तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था जो कि ड्राई शोल्डर था तो ऐसा प्रॉब्लम आने से आप इसको ड्राई शोल्डर करके रिपेयर कर सकते हो तो ओके थैंक यू वाचिंग माय वीडियो